बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास में तला पाकिस्तान, बाब नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान। आज के हमारे टॉपिक्स हैं करारदाद लाहौर 1940, क्रिप्स मिशन 1942। करारदाद लाहौर 1940, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, जो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई और तारीखी पार्क मिंटो पार्क जिसे कहा जाता है इकबाल पार्क में पेश की गई। यह करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायदे आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई और शेर बंगाल मौलवी ए के फजलुल हक ने इसे पेश किया। कायदे आज़म ने अपनी सदारती तकरीर में मुसलमानों के सियासी मसाइल और दो कौमी नजरिए पर तफसीलन रोशनी डाली। करारदाद का मतन तारुफ को भी कहते हैं, इब्तदाइया के तौर पर भी कहते हैं। करार पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफिका राय, मतलब सबकी राय है कि कोई आईनी मंसूबा इस मुल्क में काबिल अमल मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक मंदरजा ज़ैल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए, यानी जुग्राफियाई तौर पर जुड़ी हुई वहादतों मतलब सूबों और इकाइयों की हदबंदी यानी तकसीम ऐसे किस्म में की जाए इलाकों में मुनासिब रद्दबदल के साथ कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, मसलन उनकी आबादी ज्यादा है मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से, उनकी तश्कील मतलब कयाम इस तरह आजाद रियासतों की शक्ल में की जाए कि इसमें शामिल होने वाली वहदतें खुद मुख्तार मतलब आजाद हों और इन्हें मुकम्मल इख्तियार मतलब मुकम्मल इख्तियार मुकम्मल हुकूमत मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो। इसके अलावा इन वहदतों और खत्म में अकलियतों के हकूक मतलब गैर मुस्लिमों के हकूक का ख्याल रखा जाए और वह इलाके जहाँ मुसलमान अकलियत में हों वहाँ भी उनके हकूक और मफादात मतलब फ़ायदों का मुनासिब तहफ़ किया जाए। गांधी और हिंदुओं ने इस करारदाद की मुखालफत की। बरतानवी प्रेस मतलब बरतानवी अखबार ने इस करारदाद को जिना का पाकिस्तान करार दे दिया। इस करारदाद के सिर्फ 7 साल बाद मतलब 1947 में मुसलमान बरसगीर ने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना लिया। क्रिप्स मिशन 1942 जो कि सर जिफुट क्रिप्स की सरबराही में हिंदुस्तान आया और हिंदू और मुसलमानों को चंद निकात पर मुत्तफिक करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। दूसरी जंग अजीम 1939-45 के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स की सरबराही में को हिंदुस्तान भेजा, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नकाल पर मुत्तफिक मतलब राजी करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। क्रिप्स मिशन की तजावीज मतलब उसने क्या प्रपोजल्स पेश किए थे, क्या मशवरे दिए थे, जिसको जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने मानने से इनकार कर दिया। क्रिप्स मिशन ने दरअसल तजवीज़ पेश की। नंबर 1, जंग के बाद बरे सगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बिरूनी मामलों में बरतानवी हुकूमत की इसी तरह की दखल अंदेजी से गुरेज करेगी मतलब एहतियात करेगी परहेज करेगी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत तो बरतानिया की ही होगी लेकिन हुकूमत जो है वो वहाँ के रहने वालों को उनके मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज करने की जो है वो हदायत दी कि वो नहीं करेंगी, यानी कि मुल्क के अंदर के मामलात हों या बाहर के मामलात हों उसमें जो है वो बरतानवी हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी, वो वहाँ के रहने वाले लोग अपनी मर्जी से ही तय करेंगे। नंबर 2, दिफा अमूर खारजा मवासलात वगैरह समेत तमाम शुबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द मतलब उनके हवाले कर दिए जाएंगे। दिफा का मतलब अपने मुल्क के तहफ़ उसकी सिक्योरिटी, अमूर खारजा यानी अपने मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में जो असूल तय पाएंगे वो मवासलात मतलब इतलात और मालूमात, ये तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द किए जाएंगे मतलब बरतानवी हुकूमत का इसमें दखलंदाजी करने का कोई चांस नहीं है। नंबर 3, आइन साजी मतलब कानून बनाने के लिए एक मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव मतलब सिलेक्शन का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अहकाम को हासिल होगा। आइन मुकम्मल हो गया तो इसे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा, तौसीक मतलब मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे मतलब उनको इतना इख्तियार होगा आज़ादी होगी कि वो मरकज से अलग होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। नंबर 4, अकलियत तो मतलब गैर मुस्लिमों के हकूक का तहफ़ के लिए मुनासिब इकदाम उठाए जाएंगे, इकदाम मतलब कोशिशें की जाएंगी। सर स्टीफर्ड क्रिप्स की ये तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी मतलब मानने से इनकार कर दिया। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा ममलिकत का हसूल रहा जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार ना थी, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद तेज करनी पड़ी। 1945 में वेवल प्लान पेश हुआ जिसके खिलाफ कायद अजम चट्टान बन गए। कायद अजम ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। शुक्रिया।